हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों और पेंशन के लिए जो है 4% डीए और यानी कि जुलाई 2022 से जो 4% बढ़ोतरी हुई है वो डीए कब मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपका जो 18 माह का डीए एरियर्स है उस पर भी बड़ी अपडेट आई है। दोनों की दोनों जो अपडेट्स हैं कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान यानी बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा आया लास्ट वर्किंग डे पे, उसके बाद में 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है आप सभी के लिए तय हो चुका है। बस उसकी अभी जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो इसी बीच जो है मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी जो कि 15 अगस्त से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा देखने को मिल सकता है कि जो है अब कैबिनेट बैठक में आगे आने वाले दिनों में जब भी कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो डीए अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बहुत ही, कि मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त से पहले जो है कोई कैबिनेट बैठक होने वाली है या 15 अगस्त से पहले जो 4% डीए का अनाउंसमेंट है वो होने वाला है। वो अपने टाइम पर ही होगा। आगे आने वाले दिनों में जब भी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट यूजली जैसे होता रहा है वैसे ही होगा। मीडिया में जो अभी खबरें आ रही है कि अभी बहुत जल्द होने वाला, तो इस मंथ जो है लास्ट तक हो सकता है या सेप्टेम्बर मंथ में कभी भी होगा और आपको जो है 2 मंथ का एरियस यानी कि जुलाई और अगस्त मंथ का एरियस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो मीडिया में खबरें आ रही है उनमें बहुत ज्यादा जो है अथेंटिसिटी नहीं है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है कि जो है 18 महीने के डीए एरियस पे कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर आएगा उस मीटिंग में, तो अपने यूनियंस और फेडरेशन जो भी कर्मचारियों और पेंशनर्स की हैं वो लगातार सरकार से इसके रिगार्डिंग यानी कि 18 मंथ का जो डीए एरियस है उसके रिगार्डिंग कंटिन्यू बातचीत कर रही हैं। उन्होंने हालांकि सरकार से यह भी बोला था कि सरकार जो है वन टाइम सेटलमेंट की सिचुएशन में आए, यानी कि जो है सरकार 18 महीने का जो डीए एरियस फ्रीज किया गया था उसका एरियस प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो उसके बाद में कर्मचारियों और पेंशनर्स की सरकार से रिक्वेस्ट थी कि सरकार जो है वन टाइम सेटलमेंट की सिचुएशन में आए, यानी कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार जो है 3 से 4%, तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो 18 महीने का डीए और डीआर था वो उनको प्रोवाइड कराए, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज्यादा राहत मिल सके। हालांकि आगे आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा जो है आगे देखने को मिल सकता है। जब भी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। हम जो है आपको ऑफिशियल अपडेट ही देते हैं क्योंकि मीडिया में बहुत सारी खबरें डेली आती रहती हैं और उनकी जो अथेंटिसिटी बहुत ज्यादा नहीं मानी जा सकती है। हालांकि कुछ बात सच भी होती है, लेकिन जो भी आएगा ऑफिशियल हम आपको बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ये भी बताएगा कि आपके हिसाब से जो है कब तक इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है या कब तक आपको जो है 18 महीने के डीए डीआर आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।